I hope you all are fine. Students, as you know that this is your month of September and this is your next assignment. I am your math teacher. Students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना मंथ ऑफ सितंबर का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और मैंने आप लोगों को लास्ट की जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स बताई थी और कुछ रिवीजन भी करवाए थे। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन बताऊँगी ताकि आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा रिवीजन है और इसमें आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट पेज नंबर 10
8 की पोजीशन क्या है? 100। स्टूडेंट्स, 100, 10 और 1 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये किस पोजीशन पर हम किस तरह से करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से करेंगे। जैसे 620 है, कौन सा नंबर हमारा
बड़ा है, 548 जो है वो 351 से लास्ट नंबर है, तो साइन इज ओपन अप टुवर्ड 548। इसी तरह एक और 819 और 929 इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें, कौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है, 939, सो साइन इज ओपन अप टू आर 929। इसी तरह 220 इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें तो 219 से बड़ा है, सो साइन इज ओपन अप टू आर 219। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, एडिशन। मैं आपको अलग अलग पेज नंबर बताती रहूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं आप लोगों को पहले पेज नंबर 25 से बता रही हूँ। क्वेश्चन देखें 47 एंड 41। प्लस करेंगे, सिंपल एडिशन है, आप लोगों को सबको आती है। एक दफा फिर मैं आपको बता दूंगी 7 के हमने किस तरह से प्लस करना है। हमेशा याद रखें, वंस के कॉलम से हम स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, आपके सीधे हाथ से स्टार्ट करेंगे। ये याद रखिए कि हमेशा हम जो है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका आंसर सही आए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा राइट हैंड साइड से नी वंस की कॉलम से स्टार्ट करें। अब हम क्या करेंगे, 7 में 1 प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे तो आप लोगों को उंगलियों पे भी आता है, मैं आपको लाइन डालकर इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये 7 लाइन ड्रॉ की है और ये 1। अब हमने क्या करना है, 7 में 1 प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कितने आ गए हमारे, 8। अब हम टेंस के कॉलम की तरफ आएंगे। अब टेंस के कॉलम में 4 को 4 से प्लस करेंगे, 1 2 3 4 और ये 4, 1 2 3 4 इन दोनों को कंबाइन कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, ये आंसर क्या आया हमारा, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एडिशन से ही होगा लेकिन कन्वर्टिंग वंस होगा। ये भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ये पेज नंबर 30 है, ठीक है, पेज नंबर 30 है। तो क्वेश्चन में लिख रही हूँ 64 28
हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। ये किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। 4 में 8 प्लस करेंगे, मीन्स आपने 4 में 8 प्लस करना है। किस तरह से, आपने 4 अपने आपने 8 अपनी उंगलियों पे काउंट करना है। 8 आपने अपनी उंगलियों पे काउंट कर लिया, इसके बाद आपने 4 के बाद से काउंट करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। अगर मैं लाइन डाल कर बताऊँ तो भी 12 आएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इनको काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये क्या है, 12। तो हमारा जो 12 का जो 2 है ये वंस के कॉलम में आएगा, जबकि ये जो 1 है ये आपका रीग्रुप हो जाएगा 10th के कॉलम में जाकर 6 के ऊपर। ठीक है, मैंने 4 में 8 प्लस किया तो 12 आंसर आया। 2 जो था वो 1 के कॉलम में आ गया और 1 जो है वो रीग्रुप हो गया 6 के साथ। 6 में 1 प्लस करें कितने होंगे, 7। 7 में 2 प्लस करें कितने होंगे, 9। लाइन डालकर बता देती हूँ, ये 1 है, ये इस 1 में 6 प्लस किया 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 2, 1, 2। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 92। ये लाइन डालकर मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हम इसको ऐड किस तरह से करते हैं। ऐड का क्या मतलब है, ऐड का मतलब है दो नंबर्स को या दो चीज़ों को कंबाइन करना। किसी दो ऑब्जेक्ट्स को या दो नंबर्स को या कोई भी चीज़ है तो उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये एडिशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 37 से मैं आपको बताऊंगी। देखे लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं आपको बता रही हूं। Forty-five, 109, 18, 123 प्लस करेंगे, 5 में 9 प्लस करेंगे जो आंसर आएगा उसको 8 से प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 3 से प्लस करेंगे। मतलब 4 स्टेप में आपका प्लस होने जा रहा है, उसको बहुत गौर से देखिएगा। तो 5 में 9 प्लस करें मतलब आपने अपनी फिंगर्स पे 9 काउंट करना है। 9 आपने काउंट कर लिया, अब इसके बाद ऊपर जो आपका 5 लिखा हुआ है, जो आपका 5 लिखा हुआ है इसके बाद से आप काउंट करना स्टार्ट करें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमारा 5 में 9 प्लस करने के बाद आंसर क्या आया, 14। 14 में हम क्या प्लस करेंगे, अब हम 14 में 8 प्लस करेंगे। 14 में 8 प्लस करें, 8 लाइन अपनी उंगलियों पे काउंट कर लें, कर ली। इसके बाद 14 में के बाद से आप काउंट करना स्टार्ट करें, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इसका आंसर क्या आया, 22। ठीक है, इसका आंसर क्या आया, 22। अब 22 में हम 3 प्लस करेंगे, 3 लाइन अपने फिंगर पे काउंट कर लीजिए,
और 22 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा 22 में 3 प्लस करें 23, 24, 25, 25 है। आपने क्या करना है, पहले 5 को वंस के कॉलम में लिखना है, जबकि जो आपका 2 है वो टेंस के कॉलम में रीग्रुप हो जाएगा 4 के ऊपर। 4 में 2 प्लस करें कितने होंगे, 6। 4 में जब हमने 2 प्लस किया कितने हो गए, 6। अब 6 में हम 0 तो प्लस नहीं कर सकते क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 6 में हम 1 प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 7। 7 में 2 प्लस करें कितने होंगे, 9। अब हमारे पास कोई रीग्रुप तो करने के लिए नंबर है नहीं, तो 1 में 1 प्लस करें कितने होंगे, 2। तो क्या आंसर आया, 295 हमारा आंसर आ गया। ये जो मैंने आप लोगों को नंबर लिखकर बताए थे, ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये किस तरह से करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैंने अब तक की जो शुरू से आखिर तक की जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताई वो भी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, आपने ये सब प्रैक्टिस करनी है, मैथ आपकी प्रैक्टिस मांगता है, और इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपके जब स्कूल खुले और मिड टर्म एग्जाम्स हो या टेस्ट हो तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।